जी, नमस्ते। अब हम लोग हिंदी में चर्चा शुरू कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, या ये जो बात अभी मैं अंग्रेजी के सेशन में कह रहा था मैं उसको पहले समअप कर दे सकता हूँ, क्योंकि आप सब लोग इस पर काम करते ही रहे हैं अभी, है ना? ये ठीक रहेगा कुमार जी? जी सर, बिल्कुल। तो जो बात को मैं अभी हिंदी के सेशन, इंग्लिश के सेशन में कह रहा था, अभी जस्ट बिफोर वी क्लोज द हिंदी सेशन, उसको मैं एक बार हिंदी वाले सेशन में पहले कह देता हूँ, दोनों एक्सरसाइज 1 के संदर्भ में भी और एक्सरसाइज 2 के संदर्भ में भी, फिर जो प्रश्न है उसको हम लोग टेकअप कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1 के सातों स्टेप को अगर देखें, तो एक तो ये बात है कि एक्सरसाइज 1 में हम स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम कर रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट ही है। और उस काम को करने के लिए ये 7 स्टेप्स की बात की गई है। ये 7 स्टेप को अगर देखेंगे आप, तो इन एसेंस जो बात कही जा रही है वो ये है कि स्वयं को अगर देखें तो स्वयं में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। अभी हमने अपने पर ध्यान दिया नहीं था तो हमको क्रियाएं दिखती नहीं थी, अब हम ध्यान देंगे तो हम उसको देख सकते हैं। और उन क्रियाओं में देखें तो एक तो जो कल्पनाशीलता है उसकी बात है, जो भाव विचार हमारे में चल रहा है, जो इच्छा विचार आशाएं चल रही हैं उसकी बात है। दूसरा यह कि उस भाव विचार को हम ध्यान देकर देख सकते हैं, तो हमारे में वो ऑब्जर्वर भी है जो इन भाव विचार को देख सकता है। तो जब हम स्टेप 1 में ये कह रहे हैं कि मैं के द्वारा, है ना, ये स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम कर रहे हैं, उसका मतलब है कि हम होश में हैं, होश पूर्वक अपनी कल्पनाशीलता को ध्यान दे रहे हैं, अपने भाव विचार को देख रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको देख रहे हैं बिना कोई प्रतिक्रिया के। अब ये तीनों कंडीशन को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे में जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है शुद्ध दृष्टा होने की, प्योर ऑब्जर्वर होने की, मैं उस प्योर ऑब्जर्वर की जगह से, शुद्ध दृष्टा की जगह से अपनी कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, अपने भाव विचार को देख रहा हूं। उस जगह से देखेंगे तभी हम प्रतिक्रिया से मुक्त रहेंगे, अन्यथा हम प्रतिक्रिया करेंगे ही। ठीक है ना? पर ऐसा होता भी है, जब आप अभ्यास करने जाते हैं तो आप होश में हैं, होश पूर्वक कल्पनाशीलता को देख रहे हैं और ये निर्णय किए हुए हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ध्यान में आता है कि आप तो प्रतिक्रिया करने लगे। तो ये प्रतिक्रिया क्यों करने लगे, क्या हुआ उसमें, उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि जब आप शुद्ध दृष्टा की जगह पर थे और देख रहे थे और मूल्यांकन कर रहे थे, तब तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे आप वहां से नीचे उतर आए, अपने संस्कार की जगह पर, अपनी मान्यता की जगह पर, अपनी स्वीकृतियों की जगह पर, और वहां से देखने लगे कल्पनाशीलता को, तो आप रिएक्ट करना शुरू कर देते। तो कोई सही भाव होता है, सुखद भाव होता है, तो आप सोचते हैं ये बना रहे, कोई असहज दुखद भाव होता है, आप सोचते हैं हटाओ इसको तुरंत। ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया जो हो रही है वो संस्कार की जगह से हो रही है। बिना प्रतिक्रिया के जो देखने का काम है वो दृष्टा की जगह से हो रहा है। तो ये इंटरप्ले होता रहता है। अभी धीरे धीरे आप उसको ध्यान देंगे तो समझ में आने लगेगा कि जब मैं दृष्टा की जगह पर होता हूँ, शुद्ध दृष्टा की जगह पर होता हूँ, है ना, तो मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख पाता हूँ, अपने भाव विचार को देख पाता हूँ, उनका मूल्यांकन भी कर पाता हूँ, और ऐसा करते समय मैं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा करते समय ये जो भाव विचार को देखने का और मूल्यांकन का काम हो रहा है,
तो दृष्टा के द्वारा प्रयास किए बिना भी हमारे भाव विचार में परिमार्जन होना शुरू हो जाता है, तो वो घटना अपने आप ही घटने लगती है, पर दृष्टा उसको बनाए रखने का या हटाने का प्रयास नहीं कर रहा। अगर ये बनाए रखने का या हटाने का प्रयास है, मतलब हम संस्कार की जगह पर नीचे आ गए और अब हम परेशान हो सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो टोटल जो अभ्यास एक का काम को देखेंगे ना, तो स्टेप वन में ही हम कह रहे हैं कि हम शुद्ध दृष्टा की जगह पर हो जाएं, उसमें रहें का मतलब यह है। शुद्ध दृष्टा की जगह पर रहते हुए अपनी कल्पनाशीलता को देखें, अपने भाव विचार को देखें और कोई प्रतिक्रिया न करें। स्टेप टू और तीन को जोड़कर देखेंगे तो उसका मतलब है कि अपने भाव विचार को देखें और उसका मूल्यांकन भी करें, यह सहज है असहज है, सुखद है दुखद है। तो स्टेप टू में सहज है असहज है भाव के बारे ये पूछ रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। स्टेप थ्री में सुखद है दुखद है ये पूछ रहे हैं। तो अब आप एक दो तीन को मिलाकर देखेंगे तो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो हम दृष्टा की जगह पर बने हैं, शुद्ध दृष्टा की जगह पर। दूसरा, दृष्टा की जगह से हम अपने भाव विचार को देख रहे हैं, कल्पनाशीलता को देख रहे हैं। और तीसरा, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि सहज है असहज है सुखद है दुखद है। और ये सब को मिलाकर देखेंगे तो उसके आउटकम में अगर शुद्ध दृष्टा की जगह पर हैं तो ये होता है कि हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। चार बातें हो गई, शुद्ध दृष्टा की जगह पर हैं एक, कल्पनाशीलता को भाव विचार को देख रहे हैं दो, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं सहज है असहज है सुखद है दुखद है तीन, और ऐसा करते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। अगर प्रतिक्रिया हो रही है तो उसका मतलब हम नीचे आ गए हैं, अपने संस्कार की जगह से अब देखने का काम कर रहे हैं। तो इतना काम तीन स्टेप में हो रहा है, वन टू थ्री में। अब फोर और फाइव को देखेंगे तो उसका मतलब ये निकलता है कि ये जो कल्पनाशीलता में भाव विचार चल रहा है उसके पीछे हमारा संस्कार काम करता है, अपने संस्कार के आधार पर हम अपने भाव विचार का निर्णय लेते हैं। एक तो ये बात क्लियर होती है, दूसरा ये बात होता है कि अब हम इस भाव विचार इस कल्पना ये जो संस्कार है उसको भी देखना शुरू करें, क्योंकि अगर इसी के आधार पर भाव विचार तय हो रहा है तो एक तो ये कि मैं जिम्मेदार हूं, और दूसरा ये संस्कार ठीक होता है तो सही भाव का निर्णय होता है, संस्कार गलत होता है तो गलत भाव का निर्णय हो जाता है और हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो चार और पांच में इस बात को देखने का काम हो रहा है कि हमारा भाव विचार हमारे संस्कार से तय होता है, और हमारा संस्कार हमारी समझ पर भी आधारित हो सकता है या बिना समझे भी हमने कुछ मान लिया होगा, वो हमारे संस्कार के रूप में बना हुआ है। और ये भी देखते हैं कि सही समझ कर अगर हम संस्कार को बनाते हैं तो वो सहज है ना, उसके आधार पर सहज सुखद भाव का निर्णय हो पाता है और हम सुखी रह पाते हैं। जब भी कोई ऐसा संस्कार हम बना लेते हैं जो सही समझ पर आधारित नहीं है, है ना, या दृष्टा की जगह से देखेंगे तो सहज नहीं है, तो वो हमारे दुख का कारण होता है। उसके आधार पर जो भाव का निर्णय होता है वो भी हमारे दुख का कारण हो सकता है। तो उस बात को हम लोग चार और पांच में इस काम को देखने का कर रहे हैं। बेसिकली एक्सरसाइज वन के स्टेप चार और पांच में एक तो ये देखना कि भाव के पीछे निर्णय का आधार संस्कार है, दूसरा संस्कार को देखना कि ये जो संस्कार है ये सहज है असहज है सुखद है दुखद है, क्या स्थिति है इसकी, है ना, सही के अर्थ में है कि नहीं है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं चार और पांच में। स्टेप छह और सात को देखेंगे तो उसमें दो काम कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि ये जो भाव है हमारा वो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है या अन्यथा है, क्योंकि जो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में जो भाव है वही सहज है सुखद है, इसको जांच रहे हैं। ये जो भाव मेरे में इस क्षण है वो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है या अन्यथा है।
और इसी तरह से अपने संस्कार को भी जांच लें कि मेरा जो संस्कार है वो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है या अन्यथा है, क्योंकि अस्तित्व की बनावट ही अस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक है। इसलिए हमने अस्तित्व को समझा है कि नहीं, उस अर्थ में हमारा संस्कार बना है कि नहीं। संस्कार हमारा संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है या अन्यथा है। अगर संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। तो हम दोनों का मूल्यांकन कर रहे हैं, अपने भाव विचार का भी मूल्यांकन कर रहे हैं और अपने संस्कार का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। इस आधार पर, कि ये जो संस्कार और ये जो भाव विचार मेरा है वो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है कि नहीं, इतना मूल्यांकन कर रहे हैं, देख रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इतना करने मात्र से धीरे धीरे हमारा भाव विचार संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में होने लगता है, हमारे संस्कार संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में होने लगते हैं और इस आधार पर मैं अपने में आराम में रहने लगता हूँ, सुखी रहना पर रहता हूँ लगता हूँ, संकीत में रहने लगता हूँ। तो इतना काम जो हम लोग एक्सरसाइज एक में कर रहे हैं, इसमें एक मिसिंग पॉइंट है जिसको अभी हम लोग अपनी तरफ से ठीक से प्लेस कर लें कि हरचन अगर हम देखेंगे अपने में शुद्ध दृष्टा की जगह से तो हम देख पाएंगे कि अस्तित्व का होने का जो बनावट है ना, वो अस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही है। जितना जितना हम इसको देख पाएंगे उतना उतना हम अपने संस्कार को इसके अर्थ में परिमार्जित कर पाएंगे, उतना उतना हम अपने भाव विचार को इसके अर्थ में परिमार्जित कर पाएंगे, या जितना जितना ये हमको दृष्टा की जगह से दिखेगा अस्तित्व व्यवस्था और संबंध ही अस्तित्व के होने का ढंग है, उतना उतना हमारा संस्कार प्यूरिफाई होने लगेगा, उतना उतना हमारी कल्पनाशीलता हमारा भाव विचार की का प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। तो ये काम दृष्टा की जगह से होना है, अस्तित्व व्यवस्था संबंध है इस बात को देखने का काम, और इसी को हम लोग एक्सरसाइज 3 में करने का काम करेंगे। अभी भी बहुत सारा काम हो ही जाएगा बट अभ्यास 3 में इसको विधिवत करने की बात है कि स्वयं के द्वारा अस्तित्व को देखने का, व्यापक को देखने का काम, और अस्तित्व को देखने का काम करेंगे तो उसके साथ साथ इकाई का व्यवस्था में होना और संबंध में होना भी दिखेगा, वो देखने का काम अभी शेष रहेगा। यहाँ पर इम्प्लिसिटली होता रहेगा बट एक्सप्लिसिटली उसको हम लोग अभ्यास 3 में करेंगे। तो अभ्यास 1 में इतना काम हम लोग कर रहे हैं, तो अगर मैं उसको बहुत संक्षिप्त करके फिर से कहूँ तो अभ्यास 1 के तहत हर क्षण हम दृष्टा की जगह पर बने हुए हैं, एक बात, हर क्षण हम दृष्टा की जगह से अपने कल्पनाशीलता को देख रहे हैं, भाव विचार को देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरी बात, हर क्षण हम अपने संस्कार को देख रहे हैं, जो मान्यता है स्वीकृति है उसको देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तीसरी बात, और इतना करते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, ये बात तो सब जगह है ही। फिर ये सब करते हुए इस बात को हम देख रहे हैं कि अस्तित्व का होना तो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व पूर्वक है, तो अब हर क्षण इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि मेरा भाव विचार संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है कि नहीं या अन्यथा है, इसी तरह से मेरा संस्कार संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है कि नहीं, इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं। इतना करेंगे तो हर क्षण मेरे भाव विचार का, मेरे संस्कार का परिमार्जन होता रहेगा, हर क्षण मेरा भाव विचार और मेरा संस्कार संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में होगा, और इस आधार पर हर क्षण हम अपने में संगीत में होंगे, सुखी होंगे, आराम में होंगे। इतना ही करने का काम है, अल्टीमेटली तो सेल्फ के लेवल पर देखेंगे तो यही करने का काम है, इसको हम लोग अभ्यास 1 के स्तर पर कर रहे हैं।
अभ्यास एक को देखेंगे तो उसका संक्षिप्त भाग यह है, इसको करते हुए अभ्यास दो पर हम काम कर सकते हैं, उसको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। अभ्यास एक पर तो हर क्षण यह काम चलता ही रहेगा जिसको मैंने अभी संक्षिप्त रूप में बताया। इसको करते हुए अभी मेरे में संबंध और व्यवस्था का भाव तो है हर एक इकाई के लिए, अपने खुद के लिए भी है, दूसरे मानव के लिए भी है, बाहर की जो वस्तुएं हैं उसके लिए भी है। तो उस संबंध और भाव व्यवस्था के भाव के तहत मुझे जब लगता है कि किसी एक इकाई विशेष के साथ संबंध का निर्वाह करना है, उस संबंध का निर्वाह करने के अर्थ में मैं बाहर की वस्तु पर ध्यान देता हूं। और एक्सरसाइज वन का काम तो चल ही रहा है, उसको करते हुए अब हम बाहर ध्यान देने का काम करते हैं आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से। तो जैसे मुझे अगर लगता है कि शरीर के साथ मेरा संबंध है ना, उस संबंध का भाव है, उस संबंध के भाव के तहत शरीर का पोषण करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना मेरी जिम्मेदारी है, तो इस अर्थ में मैं सामयिक रूप से शरीर पर ध्यान देता हूँ, शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान करता हूँ। किस अर्थ में? संबंध और व्यवस्था का जो भाव है उसका निर्वाह करने के अर्थ में। तो उदाहरण के लिए अगर मैं पोषण के संदर्भ में शरीर का सोच रहा हूँ, तो शरीर को पोषण की आवश्यकता है कि नहीं, इसका आकलन करने के लिए मैं शरीर के किसी संवेदना को पढ़ता हूँ। तो शरीर में भूख की कोई संवेदना है या कोई संवेदना ऐसी हो रही है जिसको मैं भूख के रूप में इंटरप्रेट करता हूँ, तो फिर मैं ये निर्णय लेता हूँ कि शरीर को भोजन कराने की आवश्यकता है। फिर मैं शरीर से ही सूचना देता हूँ कि उठो, किचन में जाओ, प्लेट उठाओ, खाना परोसो, मुंह में रखो, ये सब सूचना देता हूँ। और ये काम हो गया, शरीर का पोषण का काम हो गया, तो बात खत्म हो गई है ना। तो मैं उसके साथ, शरीर के साथ इंगेज नहीं हूँ कंटिन्यूअसली, आवश्यकता अनुसार इंगेज होता हूँ संबंध और व्यवस्था का भाव का निर्वाह करने के अर्थ में। वो काम पूरा हो गया तो हमारा अपने पर काम तो हर क्षण चल ही रहा है। जब शरीर के साथ इंगेज हुए हैं तब भी हम जो है अपने पर ध्यान देने का काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। अगर अपने में काम चल रहा है हर क्षण और हमारा भाव विचार सही बना हुआ है, तभी हम बाहर के साथ इंटरेक्ट करते समय प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक जिएंगे। उसको हम लोगों ने स्टेप 5 और 6 में उस पर काम किया कि अगर हमारा समझ का भाग ठीक है, हमारा भाव विचार ठीक है, उसके साथ हम बाहर ध्यान दे रहे हैं, तो मेरा भाव विचार बाहर के इनपुट से प्रभावित नहीं होता, वो सहज और सुखद भाव बना रहता है, हम अपने में आराम में रहते हैं, आराम में रहते हुए बाहर के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। तो उस काम को मैं करूंगा जितने देर उसकी आवश्यकता है उतने देर करूंगा। तो आवश्यकता अनुसार और सामयिक रूप से मैं बाहर की वस्तु के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। वो बाहर की वस्तु शरीर भी हो सकती है, दूसरा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, शेष प्रकृति की कोई इकाई भी हो सकती है। वो जो मैं सामयिक रूप से कर रहा हूँ बाहर की वस्तु का साथ इंटरेक्शन, उसको हम लोगों ने अभ्यास 2 में काम करने का प्रयास किया। इसी के तहत ये 7 स्टेप को आप देख सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम इस बात को देखने का काम कर रहे हैं कि मैं भी हूँ और शरीर भी है। अभी तक तो मुझे अपने बारे पता नहीं था, तो मैं अपने को शरीर ही मानता था। अब ये पता लग गया कि मैं हूँ और ये मेरा होना शरीर पर निर्भर नहीं है। अब लौट कर देखते हैं तो ये पता लगता है कि मैं भी हूँ, शरीर भी है। और मेरे होने का पता तो मेरे को अपने क्रिया से लगता है, शरीर के होने का पता जब मैं शरीर से कोई संवेदना को पढ़ता हूँ तो पता लगता है, वो सामयिक काम है। जब मैं संवेदना को नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये पता लगाने का कोई उपाय नहीं है कि शरीर है कि नहीं। उसके बाद तो मान्यता ही है कि शरीर है, क्योंकि कभी मैंने संवेदना को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि शरीर है, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा हूं तो इस क्षण तो मान्यता है।
तो ये काम स्टेप वन में कर रहे हैं। स्टेप दो और तीन में ये देख रहे हैं कि हम शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, और ये आदान प्रदान करने का निर्णय मेरा है, और ये आदान प्रदान आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं, सामयिक रूप से कर रहे हैं। ये बात शरीर के लिए भी लागू होती है, ये बात आदान प्रदान की दूसरे व्यक्ति के लिए भी लागू होती है, और शेष भौतिक रासायनिक परिस्थितियों के लिए भी लागू होती है। तो स्टेप दो और तीन में इस काम को कर रहे हैं। स्टेप चार में ये देख रहे हैं कि जब हम ये सब कर रहे हैं तो मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर की किसी संवेदना को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं शरीर हो गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं निर्णय पूर्वक शरीर के किसी संवेदना को पढ़ रहा हूं, संवेदना अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं। संवेदना शरीर में होने वाली कोई क्रिया है, उसका आस्वादन करना ये मैं में होने वाली क्रिया है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसके साथ अब हम लोग ये देख रहे हैं स्टेप पांच और छह में कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं उसके आधार पर कुछ निर्णय कर रहा हूं, अपने भाव विचार को बना रहा हूं, बिगाड़ रहा हूं, प्रतिक्रिया पूर्वक जी रहा हूं, जिम्मेदारी पूर्वक जी रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि अगर हम हर क्षण अपने पर काम करते रहेंगे तो स्टेप पांच और छह में ये बहुत क्लियरली हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हर क्षण हम अपने पर काम कर रहे हैं, अपने में हमारे भाव विचार सही बने हुए हैं, उस भाव के साथ ही हम बाहर ध्यान देते हैं आवश्यकता अनुसार, और उसके साथ संबंध का व्यवस्था का निर्वाह करने के दृष्टि से जो आदान प्रदान करना है उसको हम कर रहे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने अभी बता ही दिया पहले। तो ऐसा होगा तो हम हर क्षण शरीर के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जिएंगे, शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए जो करना है उसको करेंगे, और ये निश्चित रूप से सामयिक रूप से होगा, आवश्यकता अनुसार होगा। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के साथ हम व्यवहार करेंगे, शेष प्रकृति के साथ हम कार्य करेंगे, अपने में हर क्षण काम करते हुए, अभ्यास एक का जो अपने में काम था उसको हर क्षण करते हुए, अपने भाव विचार को सुनिश्चित करते हुए, जिम्मेदारी पूर्वक हम बाहर की चीजों से प्रस्तुत होंगे, आदान प्रदान करेंगे सूचना का, और ये आदान प्रदान सामयिक रूप से होगा, आवश्यकता अनुसार होगा। तो इतना काम स्टेप छह तक हम लोग कर रहे हैं, पांच और छह में। सातवें में सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सब करते समय है ना, मैं शरीर हो गया हूँ ऐसा नहीं है, मैं बाहर की वस्तु हो गया हूँ ऐसा नहीं है, मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है, शरीर का होना भी शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है, और शून्य के माध्यम से ही मैं शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा हूँ आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से। जहाँ तक मेरे होने की बात है, मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना ही हुआ है, मैं शरीर पर ध्यान दूँ या ना दूँ, शरीर की सूचना को पढ़ूँ ना पढ़ूँ, शरीर को कोई सूचना दूँ ना दूँ। तो ये बात कि मैं निर्णय पूर्वक शरीर के साथ इंटरेक्शन करता हूँ और सामयिक रूप से करता हूँ, आवश्यकता अनुसार करता हूँ। जहाँ तक मेरे होने की बात है, मेरा होना तो शून्य के अस्तित्व में बना ही हुआ है। इसको हम लोग अभ्यास दो के सातवें स्टेप में कर रहे हैं। तो कुल काम अगर अभ्यास एक और दो में देखेंगे तो ऐसा है कि हर क्षण अपने पर ध्यान है, हर क्षण हम दृष्टा की जगह पर बने हैं, हर क्षण अपने भाव विचार को देख रहे हैं, हर क्षण अपने संस्कार को देख रहे हैं, हर क्षण उनका मूल्यांकन कर रहे हैं कि यह संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है कि नहीं है। इस काम को करते हुए आवश्यकता अनुसार बाहर की वस्तु के साथ संबंध का निर्वाह करने के अर्थ में ध्यान दे रहे हैं, व्यवस्था का निर्वाह करने के अर्थ में ध्यान दे रहे हैं, और ये जो ध्यान देना है और ये जो सूचना का आदान प्रदान करना है बाहर के साथ, वो आवश्यकता अनुसार और सामयिक रूप से हो रहा है। मैं शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूँ, बाहर की वस्तु भी शून्य के अस्तित्व में बनी हुई है, और शून्य के अस्तित्व में रहते हुए शून्य के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूं। इतना काम अभ्यास एक और दो में कर रहे हैं। इतना मैंने सोचा कि एक बार मैं सम अप कर देता हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अब हम लोग जो प्रश्न है उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो अभी जो हम कह रहे हैं कि सर मैं जो हूँ आवश्यकता अनुसार बाहर के किसी भी इकाई से
व्यवहार करता हूँ या उस पर ध्यान देता हूँ। तो कई ऐसे संत हमारे इतिहास में हो चुके हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर की अगर बात करें जी तो संत ज्ञानेश्वर जो मराठी जी जी के जी जी संत हो चुके हैं, उन्होंने अपने 21 साल की उम्र में ही समाधि अवस्था ले ली, समाधि ले ली, अपने शरीर को त्याग दिया। तो जी उस समय ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई शरीर के साथ मतलब शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है या उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का निर्माण किया, लिखा, समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने दी, जिसके ऊपर आज कई सारे PhD भी किए जाते हैं। तो जी ये क्या भाव होता है कि अब इस शरीर को त्याग देंगे हम, जी कैसे ये भाव आता है? जी देखिए, ये जो बात मैंने डिस्क्राइब किया ना, वो अगर क्लियरली दिखे तो ये पता लगता है कि मैं आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूं। कोई साधन हमारे लिए उपयोगी है, उस साधन का प्रयोग करता हूं। उपयोग पूरा हो गया तो छोड़ देता हूं। जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप अगर जो जी है संभाजी नगर से पुणे तक आए गाड़ी से, क्योंकि आपको कोई वर्कशॉप अटेंड करना था, तो पुणे पहुंचने के बाद समय से अगर आप पहुंच गए और वर्कशॉप में जा रहे हैं, तो उस समय गाड़ी को छोड़ देते हैं या पकड़े रखते हैं? हाँ छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देते हैं, और क्या, बस उसका काम हो गया। अभी लेकिन क्या ये है, कैसे? हम इतना स्पष्टता से देख नहीं पाते, इसलिए हम चिपक जाते हैं गाड़ी से, है ये ना। सही। तो हाँ ये लोग बहुत अच्छे लोग एग्जाम्पल हैं, जो ज्ञानेश्वर जी का देखें और उनके जो बाकी भाई और बहन थे, ये जी, चार भाई बहन थे, ठीक हाँ जी, है ना। जो बड़े भाई थे उनका नाम था निवृत्तिनाथ, तो निवृत्तिनाथ ने इन सबको शिक्षा दी, सबने की दीक्षा उन्होंने दी है ना। वो नाथ परंपरा के सिद्ध व्यक्ति थे, ठीक। तो उन्होंने तो जो भी दीक्षा लेनी थी किसी गुरु से ली, लेकिन बाकी तीनों को दीक्षा उन्होंने दी, ठीक है। फिर ये तीनों को जो है इनका जो भी काम था इन्होंने कर लिया, तो इनको समाधि का भी उन्होंने वो किया, व्यवस्था किया। और फिर ये सब जब हो गया तो उन्होंने खुद समाधि ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम यही था कि ये तीनों के लिए जो काम था उसको पूरा कराना था, अभी मैंने पूरा करा दिया, अभी मैं भी समाधि ले लेता हूँ। तो शरीर को किसी सामयिक रूप से किसी आवश्यकता अनुसार चलाया गया, जो आशय था वो पूरा हो गया तो उसको छोड़ दिया, है जी कि नहीं। जी और इन सब लोगों ने पहले से सूचना देकर कहा सबको कि भाई हो गया, अभी हमारा काम अभी इस महीने को इस जगह पर इस तारीख को है ना, हम समाधि लेने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो अब जैसे आजकल नियम बन गया 15 साल की गाड़ी हो गई तो उसको अब हटा दिया जाए, क्योंकि ये सब पोल्यूशन पैदा करता रहता है, तो आपको छोड़ना ही पड़ता है 15 साल बाद। आप बाध्यता है, बस छोड़ते हैं, जी वो आप निर्णय से करने लगेंगे। जी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो बौद्ध बौद्ध वाले जो है ना, तो तिब्बत में एक परंपरा है, उसका नाम है बारदो। बारदो का मतलब यह है कि जब आप शरीर छोड़ रहे हैं तब तो आप होश पूर्वक शरीर छोड़ें, आखिरी क्षण तक होश में रहे कि मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं। और उसका उन्होंने उपकार ये बताया कि अगर आप होश पूर्वक छोड़ेंगे तो अगली बार आप होश पूर्वक शरीर को चलाएंगे। तो ये जो चिपकाव बना लिए हम शरीर के साथ वो नहीं रहेगा। बहुत सही। तो ऐसी परंपराएं हैं, जैन धर्म में भी इस तरह की परंपरा है, ठीक है ना, कि आप निर्णय पूर्वक शरीर को छोड़ें।
तो अच्छी बात यह कि हम निर्णय पूर्वक ही चलाना ही शुरू कर दें, तो छोड़ने वाला काम तो निर्णय पूर्वक हो ही जाएगा, है कि नहीं? सही है, बहुत सही, बहुत सही जी। तो हम लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं, सही है, अभ्यास एक बहुत और सही। दो में इस बात का अभ्यास कर रहे हैं कि हम निर्णय पूर्वक अपने में बने रहें, अपना परिमार्जन करते रहे, निर्णय पूर्वक बाहर के साथ जो है इंटरेक्शन करें, जो भी परस्परता है उसको परिभाषित करें, निर्णय पूर्वक उसको पूरा कर दें, छोड़ दें, है कि नहीं? जी, बहुत सही जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे किसी ने इंटरेक्ट लिखा है करते कि हैं आज तो। के दिन समाधि लेना इलीगल है, ठीक है? हाँ, प्रशांत प्रशांत भैया ने लिखा है। हाँ, तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आज के दिन जो लीगल है वो ये है कि वेंटिलेटर में आदमी मरे। ऐसी ऐसी जी, चीजों को लीगल बना के रखे कि आप जो है वेदांता में जाकर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया दें और वेंटिलेटर में अपना प्राण त्यागे, अपना क्या, शरीर का प्राण त्यागे, है ना, जहाँ आपका कोई संबंधी भी नहीं है, कोई आपको पूछ भी नहीं रहा है, कोई आपको कुछ बता भी नहीं रहा है, अब लीगालिटी का तो ये हालत है। मेरे मेरे नाना जी भी कहा करते थे और पिताजी भी कहा करते थे कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं मरने लगूंगा या मरने की अवस्था में, मुझे हॉस्पिटल में मत ले जाना कभी। जी हाँ, हमेशा कहते थे वो। जी हाँ, मेरे को एक व्यक्ति ने अच्छा। फोन किया, हैदराबाद के रहने वाले, वो मतलब हैदराबाद में उनसे मेरा परिचय हुआ था, वो रहने वाले ये जो आंध्र प्रदेश बना है उसकी राजधानी जो है, क्या नाम है उसका, जी मध्य प्रदेश, उसके आंध्र प्रदेश की, अच्छा हाँ, तो वो जो जगह है वहां के रहने वाले हैं वो, तो उन्होंने एक दिन मेरे को फोन किया कि मेरी माताजी डेथ बेड पर हैं और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो मैं क्या करूं, मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जाऊं, मैं हॉस्पिटल में रखे रहूं या घर ले आऊं? तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी माताजी की क्या वो थी अपेक्षा, तो उन्होंने तो कहा था कि जब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो तुम हमको हॉस्पिटल मत ले जाना, आखिरी में घर में रखना, हम सबके साथ शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर तो उनका परमिशन नहीं, और क्या, वो तो चाह ही रहे हैं इसे, तो वही करना चाहिए। तो कहा कि हमारे भाई लोग नहीं मान रहे हैं, तो हमने कहा कि बात कर लीजिए उनसे, अगर उनको लगता है कि हॉस्पिटल में रखने से ठीक हो जाएंगे तब तो हॉस्पिटल में रखें, अगर हॉस्पिटल वाले कह ही दिए हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते तो वहां रख कर क्यों वो करना चाहते हैं? कह रहे वो गिल्ट फीलिंग आएगा कि हम उनको हॉस्पिटल में नहीं ले गए। भाई सही है, आप सही तो है। ले गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ, इनको गंगा जल पिलाओ, तुलसी, है ना, दो, तो अब क्या करना है? बट इतना हम घबरा जाते हैं, इतना हम प्रचलन के बाद से बाध्य होते हैं कि अंदर से सभी चाह रहे हैं, उनकी माँ तो पहले ही कह चुकी थी, अब वो बेहोश हो गई है, अब कुछ बोल भी नहीं सकती वो, ठीक है, फिर भी हम ये निर्णय नहीं ले पाते। सही। तो मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप अपना शरीर अभी छोड़ दीजिए, नहीं मैं नहीं तो ये कह रहा हूं कि जी जी निर्णय पूर्वक चलाइए, जी तो उसको अभी तो आप बेहोशी में बिल्कुल चला रहे हैं, बिल्कुल आप बेहोशी में चलाते हैं, बेहोशी में छोड़ते हैं, बिल्कुल अब निर्णय पूर्वक चलाइए, निर्णय पूर्वक छोड़िए। लेकिन मुख्य तो इतनी बात समझ तो ये कि होनी आप, चाहिए। मुख्य बात तो हाँ ये कि आप सुखी रहें, सुख जी, पूर्वक आवश्यकता हो तो शरीर को चलाइए, सुख पूर्वक आवश्यकता हो तो शरीर को छोड़िए। मतलब इतनी समझ हो जानी चाहिए कि मेरा जो पर्पस है लिविंग का वो फुलफिल हो गया है और अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है मेरे लिए।
आगे चलने के लिए, वही इस तो समय पूरा जैसा है हो ना गया है छोड़ देता पर्पस, है। तो हाँ फिर अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। नहीं तो है यह हाँ भी हो सर सकता है कि दूसरों का ध्यान रखते हुए फिर भी शरीर को चलाएं, तो चलाते रहेंगे क्या, हाँ हम ज्यादा अच्छे से बिल्कुल सर चलाएंगे, बिल्कुल दूसरे के सही लिए भी सार्थक करेंगे। जी तो मेरा पर्पस पूरा हो गया तो शरीर छोड़ना जरूरी नहीं है, मेरा पर्पस पूरा हो हाँ गया तो अपना काम हो गया तो अब दूसरे के लिए करेंगे, जी। उसके लिए शरीर को चलाएंगे। और जब लगे कि अब शरीर चलाने लायक नहीं है तो नहीं चलाएंगे, इसमें क्या। तो संत ज्ञानेश्वर जी का वही प्रश्न पड़ता है ना मुझे कि शरीर चलाने लायक तो था, और ऐसा नहीं है कि समाज में या जहां भी वो उनका जो कार्य था वो पूरी तरह से उन्होंने कर लिया, क्या उन्होंने अपने कार्य को लिमिटेड बना नहीं रखा। वही कह रहा हूं, देखिए उन्होंने तय किया कि मेरा काम इतना है, उतने को बिल्कुल करके उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ओके ये हाँ उनका निर्णय है। उनको हो सकता है कि ये लगा हो कि अभी जितनी बात मुझे बतानी थी उतना मैंने बता दिया, इससे अधिक अभी सुनने वाले भी नहीं है लोग, है ना, तो व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा भी करना ठीक नहीं है। और मैं तो आराम में हूं ही, इतना इनपुट अभी देना था दे दिया। देखिए जब थे वो तब भी लोगों ने उनको कम तकलीफ नहीं दी। बिल्कुल बहुत अब उससे आगे और जो इतना उन्होंने लिख दिया बोल दिया उसके आगे बोलते तो फिर लोग परेशान होते, तो उन्होंने बता दिया, कहा बचाओ भाई, जब पच जाएगा तो फिर बताएंगे आगे। जी सर बहुत बढ़िया बहुत तब क्लियरिटी हो तक हम बने रहेंगे तो आप लोग परेशान होंगे। गई। जी। ये तो अच्छा है, ये ऑनलाइन सेशन में ये है कि जब चाहे जो है ऑफ कर दीजिए आप, फेस टू फेस वाले में ये है कि चारों तरफ लोग बने रहते हैं और उनसे आप इंटरेक्शन करते ही रहते हैं। अब करते हैं तो उनको आप उनके अनुकूल बात अगर नहीं कहेंगे तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं। जी सर बहुत थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। यस द फर्स्ट स्टेप इवन इन कानपुर इन अप्रैल टिल द लास्ट मंथ, yes. तो अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन करने में मुश्किल था, तो मैंने एक और रास्ता अपनाने का सिद्धा परंपरा का कोशिश किया था। वहां पे एक और तीन और पड़ाव मिले थे मुझे। पहले ऑब्जर्व करने के लिए आपको काम रहना पड़ेगा, और एक सटल बॉडी होती है, कॉस्मिक बॉडी होती है। सटल बॉडी में 72,000 नाड़ीज होती हैं और फोकल पॉइंट्स चक्रास होती हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। लेकिन दो और बातें इसके जुड़ के मिली हैं। एक है प्राण जो श्वास से अलग है, और कॉन्शियसनेस जिसके सात लेवल्स है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल गया था और प्रैक्टिस भी मिला था, लेकिन उधर भी मन नहीं लगा था। तो मैं रियलाइज किया कि अब जब कॉन्शियसनेस की बात जब हो रही है तो यूएसपी में हो क्या रही थी फिर। तो मैं सोचा कि यूएसपी का जो पूरा कंटेंट है वो कॉन्शियसनेस, मतलब अभी की बात हो रही है, जो अब आज अभी मोमेंट में जो बात कर रहे हैं उसी की बात हो रही है। तो मैं रिज्वाइन कर लिया ये महीने के 5 तारीख से। तो मेरा जो वो प्रस्ताव था, वो जो मैंने चक्रास वो सब कुछ सेटल बॉडी वो सब, मैं उसको एक्सप्लोर करूँ ना करूँ एक क्वेश्चन बना था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए स्पेस में कुछ एक्टिविटी है नहीं है, और मैं एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए एक फिजिकल कॉलेज है, वो रात में खाली रहती है, लेकिन सुबह होते ही उसमें एक्टिविटीज हो जाती हैं, लेते टीचर आ जाते हैं, स्टूडेंट आते हैं, सपोर्ट स्टाफ आ जाते हैं, तो ऐसा बोलना कहाँ तक ठीक है कि स्पेस में एक्टिविटी है ही नहीं है, क्योंकि स्पेस में ही तो पूरी एक्टिविटी हो रही है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो मैं इसको और बताने के लिए, अगर इंटरनल यूनिट्स जो कॉन्शियसनेस में हैं, जो मटेरियल रहने दीजिए कॉन्शियसनेस रहने दीजिए, जैसे हमारी बॉडी भी है, तो ये सभी भी स्पेस में ही है, लेकिन हम स्पेस में रहते हुए एक्टिविटी तो कर रहे हैं, बिना एक्टिविटी तो कम है नहीं, तो स्पेस में भी एक्टिविटी है ना। ये तीन क्वेश्चन मेरे बने थे सर। जी पहले मैं बाद वाले का आंसर देता हूँ, इसीलिए मैंने वो करेक्ट किया था जब पिछले इंग्लिश वाले सेशन में ना, जब उन्होंने कहा था कि स्पेस में एक्टिविटी नहीं है, मैंने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है। डिस्क्रिप्शन ये कि स्पेस एक्टिविटी नहीं है, स्पेस में तो एक्टिविटी है ही, हाँ
तो ये दो अलग अलग चीजें, स्पेस एक्टिविटी नहीं है, इकाई एक्टिविटी है। इकाई स्पेस में है तो स्पेस में एक्टिविटी है, हाँ तो ये स्पेस में, स्टेटमेंट है, ये क्लियर होना चाहिए। एक्टिविटी जो है वो इकाई में दिख रही है, स्पेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन स्पेस में ही इकाई है, इसलिए स्पेस में देखेंगे तो एक्टिविटी है, बट इट्सेल्फ, स्पेस इट्सेल्फ इज नॉट एक्टिविटी, ये कहना। तो इसको थोड़ा और समझा दीजिए, क्योंकि स्पेस में रहते हुए नहीं एक्टिविटी करेंगे लेकिन स्पेस जो है वो एक्टिविटी लेस है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। वही वो तो समझना ही पड़ेगा कि एक्टिविटी जो है वो स्पेस ही है एक्टिविटी या इकाई है एक्टिविटी, ये प्रश्न पूछिए। जी आप ये पूछेंगे कि स्पेस में एक्टिविटी है कि नहीं, तो उसका क्लैरिटी से उत्तर आएगा नहीं आपको, क्योंकि स्पेस में एक्टिविटी तो है ही, बट सवाल ये कि स्पेस एक्टिविटी है कि नहीं। स्पेस को अलग से देखना है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए वो फाइनली ये जो बात है ना, वो दृष्टा शुद्ध दृष्टा की जगह से जाकर ही दिखता है, जब आप स्पेस को भी डायरेक्टली देख पाते हैं और इकाई को भी देख पाते जी हैं, तब जब आप स्पेस पर ध्यान देते हैं तो स्पेस दिखाई पड़ता है और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं ये दिखाई पड़ता है, इकाई पर ध्यान देते हैं तो इकाई दिखाई पड़ती है और इकाई एक्टिविटी है ये दिखाई पड़ता है। जी तो एक तो ये पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन का ना, कि जी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है ना, जी तो अभी भी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, अगर उसको ठीक से आप देखेंगे तो ये जो इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, भाव विचार की कल्पनाशीलता की बात कर रहे हैं है ना, जी वो सूक्ष्म शरीर है। ये जो जी बाहर फिजिकल बॉडी देख रहे हैं जिसके बारे एक्सरसाइज 2 में बात किए थे है ना, जी वो स्थूल शरीर है ठीक, जी और ये जो संस्कार की बात कर रहे हैं ये कारण शरीर है जी। अच्छा, अलग नाम दिए बस। देखिए रियलिटीज तो वही हैं, वो मैंने शुरू में भी कहा है, हर शिविर में हम लोग इस बात को कहते हैं कि भाई मूलभूत वास्तविकता तो वही है, जी उसको देखने का काम उसको जीने का काम तो एक ही ढंग से होगा, लेकिन उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, व्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उन वास्तविकताओं को इंगित करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जी शब्द देश काल परिस्थिति व्यक्ति के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। जी लेकिन होता क्या है कि हम उन शब्दों से ही अपने को बांध लेते हैं, तो हम एक जो है संप्रदाय बना लेते हैं और उन्हीं शब्दों को लेकर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। अगर सीधा सीधा वास्तविकता को देखने का काम करें है ना, जी समझने का काम करें, और ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उन वास्तविकताओं पर ध्यान आकर्षण कराने के लिए, इंगित कराने के लिए हैं, ये हमको स्पष्ट हो, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करके ध्यान देने का काम भी कर सकते हैं और इस शब्दों से बंधेंगे भी नहीं, जी ठीक है, ये बात हम लोग कह रहे हैं अभी। तो तो इस इसके विधा से लिए चलिए, या स्थूल शरीर को देखिए, सूक्ष्म शरीर को देखिए, कारण को शरीर को देखिए, महाकारण को देखिए है ना, जी वो एक विधा से चलिए, बात तो वही कह रहे हैं। जब वो जी महाकारण कह रहे हैं तो उसका मतलब व्यापक वस्तु और व्यापक वस्तु में संप्रयुक्त शुद्ध दृष्टा, उसको कह रहे हैं। इसमें भी बड़े सारे डिफरेंसेस हैं कई जगहों पर है ना, कई बार लोग आत्मा को कारण क्रिया में रखते हैं, कई बार आत्मा को कारण क्रिया में नहीं रखते हैं, सिर्फ संस्कार को ही रखते हैं, शुद्ध दृष्टा को उसमें नहीं रखते हैं, ये कई सारे अलग अलग ट्रेडिशन है भारत में भी देखेंगे तो, जी बट ब्रॉडली जो अगर वेदांत वाला दर्शन को लें आप, तो वेदांत में कारण क्रिया का मतलब होगा संस्कार, और जी शुद्ध जो मतलब महाकारण है उसको देखेंगे तो आत्मा और परमात्मा, तो शुद्ध दृष्टा और उसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो व्यापक वस्तु। तो करने जी वाला सर, चीज और अलग, सर कॉन्शियस लेवल्स में 7 लेवल्स है ना सर, उसमें हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक ही सीमित हैं। अभी आगे UHV नेक्स्ट लेवल्स में वो भी खुलेंगे या
अभी जो कर रहे हैं वहां तक सीमित है। देखिए वो एक भाषा और है ना, तो जिसको अभी हम कल्पनाशीलता कह रहे हैं ना, जी उसके प्रति जब हम होश में हैं तो उसको कॉन्शियस कहा। जी इसके पीछे जो संस्कार है जिसके प्रति हमको बहुत होश नहीं है उसको सब कॉन्शियस कहा है, जी और ये जो शुद्ध दृष्टा की जगह पर होना है वो सुपर कॉन्शियस है, ले दे के वही बात हो रही है फिर चेतन अवचेतन अति चेतन ऐसा शब्द प्रयोग किए। जी। नहीं बात और क्या करेंगे, अस्तित्व में जो है उसी की तो बात करेंगे कि आप अपना कुछ बना देंगे। नहीं वो एक्सरसाइज करके बना रहे हैं तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था, मैं सोचा कि वही कह रहा वापस हूं, लूट जाए। तो ये सब क्या होता है, देखिए किसी भी समय जिसको कुछ समझ में आया दिखाई पड़ा उसने आपको कुछ बताया, आपकी हेल्प जी करना चाह रहा था, जी बताने के लिए उन्होंने कुछ भाषा को कुछ शब्द को प्रयोग किया, उससे अपेक्षा यह था कि आप उसके जो वस्तु इंगित हो रही है उस पर आप ध्यान देंगे और देखेंगे और उसको जिएंगे। आपने क्या किया, वो आगे का काम तो किया नहीं, आपने शब्दों को पकड़ लिया जी और उस शब्दों को लेकर लड़ाई करने लगते हैं आप। तो वो जी बेचारा जो कोशिश किया था कुछ अच्छे के लिए वो परेशान होता है कि देखो हो गया एक और झंझट पैदा। जी समझने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। इसलिए हम लोग अभ्यास एक और दो में सब बताने के बाद हर बार कहते हैं कि ये एक ढंग है ना, जी ये वन सेट ऑफ एक्सरसाइज है, वन सेट ऑफ स्टेप्स है, दी एक्सरसाइज एंड दी स्टेप नहीं है। अगर आप इसको भी दी एक्सरसाइज एंड दी स्टेप की तरह लेकर इसमें लेकर झगड़ा करने लगेंगे तो इसका जो आशय है वो डिफीट हो जाएगा। नहीं झगड़ा की बात नहीं है सर, समझने की बात है, क्योंकि मेरी समझ आपके थोड़ी लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जी कह रहा हूं कि हम में से कोई भी अगर इन शब्दों को पकड़ ले और इस अभ्यास को करने के ना करके है ना, और वहां तक जहां पहुंचना है ना पहुंचे, और इसको लेकर झगड़ा करने लगे कि ये अभ्यास का तरीका ठीक है बाकी सब गड़बड़ है, तो आप भी परेशानी में पड़ेंगे, दूसरों को भी परेशानी में डालेंगे, ऐसा होगा फिर। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। सर ये काम रहना कैसे सर, वो मतलब वो उधर भी नहीं हुआ इधर भी होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या चीज, वो तो आप अपने पर काम करिए, आप तो मेथड के ऊपर जजमेंट करते हैं। नहीं, वो काम नहीं सर, नॉट वर्क, CALM काम, मतलब शांति से रहना। वही शांति एक काम है ना, कि शांति तक पहुंचना तो वो भी एक काम है। तो आपके साथ कठिनाई क्या है कि वो कहते हैं ना कि काम रहने की कामना से आप परेशान हो जाते हैं। हाँ अभी इसको अच्छा कैसे इसी को नहीं समझ पा रहे हैं सर, इसीलिए ढूंढते ढूंढते फिर रहा हूं। नहीं टाइम लगता ही है, हर चीज का प्रोसेस है। शुरू में ही मैंने इंग्लिश वाले सेशन में बताया था, जी सर प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा हमको, उसके बिना आउटपुट नहीं आएगा। अभी हमने एक बीज लगाया और अभी हम चाहें कि वो पेड़ हो जाए और उसका फल आने लगे, वैसा तो होता नहीं है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये होता है कि भाई हमको समय लगता ही है, समय लगता है किसी को भी, मतलब चीजों में वो प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है हमको आपको सब लोग। सर ये काम रहने की कामना करना, इसको इमेजिनेशन बोलेंगे, क्रिएटिविटी बोलेंगे सर? देखिए वो कामना ही परेशान कर रही है, हाँ मतलब फीलिंग नहीं आ रही है सर, अगर वो आ जाती है तो पूरा बैठ जाता है ढंग से, मतलब शुरू होती है गाड़ी। देखिए कामना का मतलब है कि बाहर से कुछ पाके हम सुखी होंगे, वही अशांति का कारण है। हम अपने में समझकर दृष्टा की जगह पर रहते हुए हर क्षण सुखी रह सकते हैं ये दिख जाए तो कामना खत्म हो जाती है। ठीक है सर, कोशिश करें, बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया कि ये सब कुछ जानते हुए भी सब हर चीज अगर हमने समझ ली और एक अनजान व्यक्ति के साथ आके हमारे संस्कार आगे आ जाते हैं तो हम वो फिर हमारा जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है।
तो हम उसको कह रहे हैं कि ऐसा कर ले, वो कह रहा है कि मैं क्या पागल हूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मेरे को समझ नहीं है। जब मैंने ये कहा हाँ कुछ ऐसा ही है, तो वो और अग्रेसिव हो गया और इतनी स्थिति खराब होगी कि संभाल पानी मुश्किल हो गई थी। तो जी यहाँ पर संस्कार बार बार आगे आ रहे। जी देखिए, तो क्या है अंत ना, आदमी को हम कहाँ से मूल्यांकन कर रहे हैं? हम आदमी का मूल्यांकन उसके व्यवहार से कर रहे हैं, जी कर रहे हैं हम उसका वो मूल्यांकन उसके विचार से कर रहे हैं, उसके भाव से कर रहे हैं, उसके संस्कार से कर रहे हैं, या उसकी जो जी शुद्ध दृष्टा की जगह पर होना है वहां से कर रहे हैं। जी अगर वो शुद्ध दृष्टा की जगह से होना जो है उसका उसका मूल्यांकन करेंगे ना, तो फिर हर व्यक्ति हमको सही दिखेगा और उसमें सही की संभावना दिखेगी। जी अच्छा सर, बिल्कुल सही। उससे जैसे नीचे आएंगे उससे समस्या शुरू हो जाएगी। हाँ, वो हमारी शुद्ध दृष्टा में ही कहीं अशुद्धता है। अपने में शुद्ध दृष्टा में हम स्थापित नहीं हैं, दूसरे को शुद्ध दृष्टा की जगह पर स्वीकार नहीं पा रहे हैं, इसलिए उससे नीचे आते हैं तो डिफरेंसेस हैं उसमें, वो डिफरेंसेस को लेकर हम झगड़े करते हैं। हाँ, कंट्राडिक्शन करते हैं क्योंकि सामने वाले को हम अपने जैसा समान नहीं समझते। नहीं सही समझते। है ना सर? हाँ जी, हाँ तो जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जी आपकी जो भी मान्यता हो, जो भी भाव विचार हो, मैं तो आप में वो जो शुद्ध दृष्टा की जगह पर होने की संभावना है ना, उसको देख उसको रहे हैं। केंद्र में रखकर आपसे बात कर रहा हूँ। आप कोई भी हो, जी, सही कोई सर। भी हो का मतलब आपके नीचे की स्थिति कुछ भी हो, शुद्ध दृष्टा तो आप में है ही, तो अपन उसी को, उसी से बात करते रहते, उसी को फोकस करते हैं, उसी को अपील करते रहते हैं, है कि नहीं? आप कितना भी आर्गुमेंट करें, काउंटर आर्गुमेंट करें, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मुख्य काम तो यह है कि आप में जो शुद्ध दृष्टा है उसको मैं स्वीकार लूं और मैं आपका ध्यान आकर्षण उस पर कर दूं, ताकि धीरे धीरे आप भी ध्यान चला जाए तो आप भी उसको देख लें, आप भी स्वीकार लें, ठीक है ना? बस सर, बात यही हमारी शुरू हुई थी कि चल तेरा मटेरियल में थोड़ा सा स्क्रैच आया, तो अब हमें जाने दो, परेशान मत करो। वो बार बार हमें ओवरटेक कर रहा है और आगे आ रहा है, बार बार ओवरटेक कर रहा है और बाहर आ कह रहा है कि मैं बचपन से गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे मटेरियल में। मैंने कहा ये मटेरियल है, हम लोगों को देरी हो रही है, हमें जाने दो। तो उसने जब ये बात कही कि मैं पागल हूँ, तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, मैं कहा ये तो आप अपने आप खुद ही बता रहे हैं। तो फिर बात बढ़ गई, फिर वो बात समझने में नहीं आई, फिर तो वो फिर जो नहीं, ड्राइवर देखिए, था उसने आपने क्या बताया कि आप ही बता रहे हैं, इसका मतलब हाँ आपने कहा कि वो तो सिद्ध ही हो गया, ठीक हाँ है? हम उसको ये भी कह सकते थे कि भाई इसका आकलन तो आप खुद कर लीजिए, तो मैंने यही कहा, ये तो आप खुद ही जानते। आपने सिद्ध कर दिया ना, अब ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हाँ, यहाँ प्रॉब्लम हो गई सर। हम कहाँ गलती करते हमको नहीं दिखता ना। हाँ, वो संस्कार आगे आ जाते हैं ना सर, बिल्कुल हमारी वो बिल्कुल बिल्कुल आवाज भी ऊंची हो जाती है और हम आपे में भी नहीं रहते। सेल्फ तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है अभी सेल्फ का भी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से नीचे नहीं। बिल्कुल। अभी देखिए, अभी जो जगदीश जी प्रश्न पूछ रहे थे ना इसके पहले, तो जी पिछले साल 1.5 साल का इंटरेक्शन है जगदीश जी का, है ना, के साथ हम लोग का, और इस जी साल 1.5 साल में उनकी भाषा कितनी बदली है उसको आप आकलन कर सकते हैं। हमारे हम लोग के पास ये सारे पास की रिकॉर्डिंग्स तो है ही, तो अगर कोई सुने तो उसको आइडिया लग जाएगा सर, मेरी कि तो अभी भाषा नहीं बदली। हाँ, इतने एरोगेंस से जब प्रदीप जी ये कहते थे जगदीश जी, तब भी उनमें शुद्ध दृष्टा तो यथावत था। आज जिस संयत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, आज भी शुद्ध दृष्टा वैसे ही है। नीचे का संस्कार भाव विचार कम बेसी होता रहता है कि नहीं? वो ठीक हो जाएगा अगर हमको दिख रहा है। जी सर, तो वो दिख जाएगा जब उनको भी, उनका भी संस्कार ठीक हो जाएगा। क्या है, तो अपन तो इतना ही काम करते हैं कि बार बार उनके दृष्टा को, शुद्ध दृष्टा को स्वीकार कर उसको अपील करते रहते हैं।
जी बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। सर आपको देखने का बहुत सेल्फ कह रहे कि दूसरे सर को भी देख दृष्टा के, तो हम कब देख पाएंगे ये? नहीं, ऐसे तो कभी हम लोग मिलने का रख ही सकते हैं। हम लोग बीच बीच में संस्थान में तो रखते हैं कार्यक्रम सब लोगों के मिलने का, है जी ना। लेकिन जो बात हो रही है, ये बात को ही आप हमारे रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए और क्या, उस पर काम करिए। बट यस सर आपस में मिल लेना भी ठीक ही है, वैसे कोई उसमें वो नहीं है। हम लोग ऐसा प्लान किए थे कि 3 महीने में एक बार, है ना, 30-40 लोगों के साथ मिलने का काम कार्यक्रम रखा जाए, ताकि हम लोग साथ साथ 2-3 दिन रह सके, खा पी सके, चर्चा कर सके। तो जी सर उसको 2 बार तो किया हम लोगों ने, 3 बार किया शायद यहाँ पर, बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं हम लोग ऐसा। तो आप तो मेरठ ही हैं, तो बहुत दूर नहीं है, तो जी अगला जब कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो आपको आमंत्रित करेंगे, है जी सर ना। जी धन्यवाद ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, जी सर। शुभकामना। सर बहुत उत्सुकता है कि मैं जल्दी से अपने समाज में अपनी भागीदारी दूं, और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत जरूरी जी भी है, जेल वाला काम तो बहुत आवश्यक है, अगर हम लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तो जो किया हम लोगों ने उसका काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जी और सर उनको, हाँ उनको अभी भी आराम मिल रहा है, और आगे जाकर वो कर पाएंगे अच्छा काम। सर समाज के एक लिए एक हाँ एक कैदी ने अपने सेशन जी में कहा था मूल्यांकन में हाँ कि जी मुझे तो गलती से मैं आ गया यहाँ पर, है ना, हाँ और जी जो थानेदार है उसने गड़बड़ी की, इसलिए मैं आ गया। लेकिन इस शिविर को अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं लौट के जाऊंगा तो मैं थानेदार को मिठाई खिलाऊंगा इस बात के लिए कि उसने हमको यहाँ भेज दिया और ये बात हमको मिल गई। फिर वो छूट गए वो, क्योंकि उनका केस ऐसा मौत वो था भी नहीं। तो अच्छा उन्होंने जाने के बाद मिठाई लेकर वो गए जेलर के पास, उनको मिठाई खिलाई, और वहां से जो जेलर साहब हैं उनको हाँ फोन किया और दरोगा से बात जी कराई कि जो है जैसा मैंने उस समय मूल्यांकन में कहा था, तो हाँ मैं मिठाई लेकर आया हूँ, इनको दिया हूँ, इनको बताया हूँ, अब आप इनसे बात कर लीजिए। जी जी सर सर शुद्ध दृष्टा का भाव रखते हुए जो भी मैं समाज में भागीदारी दे पाऊँ वो सब क्रेडिट यूएचवी के सारे सदस्यों को ही जाता है सर। सिर्फ यूएचबी को मत दीजिए, यूएचबी में जो काम कर रहा है वो हजारों साल की परंपरा में जिन लोगों ने भी सारा कुछ किया, प्रयास, जी है ना, जी हाँ उसका प्रतिफल है, तो सबको देना पड़ेगा जी धन्यवाद जी जी। ठीक तो ये बहुत है, जरूरी है कि शुद्ध दृष्टा का भाव हम लोग सब में आना चाहिए और दूसरे के प्रति भी आना चाहिए। ये तो यही इसी के ऊपर आज जो ये शब्द है ये शब्द अब उसी के ऊपर काम करेंगे सर। धन्यवाद सर ठीक ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।